ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर, यूपी के मुसलमानों को सीएम योगी का तोहफा, ताजियेदारी से पाबंदी खत्म, मुहर्रम की नई गाइडलाइंस जारी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको इस वीडियो में बताएंगे किस किस पर पाबंदी लगाई गई है और किस किस पर नहीं लगाई गई पाबंदी, किस तरह से आप ताजियेदारी मना सकते हैं। तो सभी मुसलमान इस वीडियो को जरूर देखें। पूरे यूपी के मुसलमानों के लिए खुशखबरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुस्लिम समुदाय को माहे मुहर्रम पाक महीने में एक पाक तोहफा दिया। माहे मुहर्रम पे ताजिया निकालने पर लगी पाबंदी को खत्म कर दिया है। साथ ही मजलिस करने की इजाज़त प्रदान की, पर शर्त ये रखी कि इस मजलिस में सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इन दोनों मांग से सीएम योगी से पूरा हो जाने पर इमाम जुमा मौलाना कल्बे जावेद ने इमाम बाड़ा गुफरान आप में धरना खत्म कर दिया। मौलाना कल्बे जावेद ने कहा, योगी सरकार ने उनकी मांग का मान ली है। इस प्रकार मुहर्रम को लेकर यूपी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की गई है। मजलिस में सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मौलाना कल्बे जावेद की प्रतिनिधि शमील शमसी ने बताया कि योगी सरकार ने राजधानी समेत लखनऊ पूरे प्रदेश में आजादारी करने की पाबंदी को हटा लिया है। घर में ताजिया रखने पर अब सिर्फ FIR नहीं होगी, मजलिस में सिर्फ 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। कोई भी परेशानी होने पर कर सकते हैं पुलिस कंट्रोल में शिकायत। साथ साथ आपको बताते चले, समीर शमसी ने बताया कि इस बात पर पाबंदी लगाई गई है। तो आप किस बात पर पाबंदी लगाई गई है, चलिए हम आपको बताते हैं। पाबंदी है कि सड़क और चौक पर ताजिये न रखे जाएं। यौम अशुरा में ताजियों को दफनाने को लेकर फैसला बाद में होगा। कोई भी परेशानी होने पर जिले के पुलिस विभाग के मुखिया से शिकायत कर सकते हैं। निगरानी के लिए सचिव गृह को नियुक्त किया जाएगा। शमील शमसी ने बताया कि उनकी गृह सचिव से वार्ता हो चुकी है। साथ ही साथ मौलाना कल्बे जावेद ने कहा, अजदारी पर पाबंदी के खिलाफ मौलाना कल्बे जावेद की नेतृत्व में शिया धर्म गुरुओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। मौलाना कल्बे जावेद ने सरकार पर जुल्म करने का आरोप लगाया था, पर अब सब ठीक हो चुका है। तो दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी के मुस्लिम समुदाय को माह मुहर्रम पाक महीने में दिया था पाक तोहफा। माह मुहर्रम में ताजिया निकालने पर लगी पाबंदी को खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाबंदी हटाना ठीक है, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि इससे जुड़ी आपको तमाम जानकारी समय समय पर मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बस यही जानकारी देनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें ये भी कमेंट करके जरूर बता दें। और साथ ही साथ हमें ये बताएं, आप किस राज्य से इस वीडियो देख रहे हैं, अपने राज्य और शहर का नाम हमें जरूर कमेंट्स करके बता दें। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। टेक केयर एंड।